बागवान साथियों नमस्कार, मैं डिंपल पांचटा फेसबुक लाइव के माध्यम से एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों से थोड़ा लेट जुड़ पाया। मेरे पौधे में पत्ता बहुत लेट आता है और पत्ता बहुत छोटे आकार का निकलता है, इसका समाधान हो सकता है सर? बिल्कुल सर, इसका समाधान हो सकता है। सबसे पहले तो आप अपने रूट जोन को चेक करिए कि अगर पत्ता छोटा आ रहा है कि आपकी जड़ें स्वस्थ है, कहीं आपके रूट रॉट या कॉलर रॉट की प्रॉब्लम आने वाली शुरू तो नहीं है। इसका मतलब आपके मलिंग जी, अगर आपके रूट्स जोन अच्छा है और पत्तियां बहुत लेट आती है और ये बहुत सारे फार्मर की प्रॉब्लम है, तो आपके जमीन में रूट इन्फेक्शन हुआ है। ये आपको शायद आसानी से कोई डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएगा, मगर बहुत सारे फार्मर की मैंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसीलिए आपको एक बार देखना होगा। और उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे शेयर करिए। जिन भी बागवान साथियों के पत्ते लेट आते हैं, और इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी देखे, टॉप वाले पत्तों की बात है उसको भी मैं लूंगा, अगर आपके बहुत लेट आती है, दूसरों से लगभग 20 दिन बाद पत्तियां आती है या एक महीना भी लेट आती है कई लोगों के, तो आपके डेफिनेटली 99% तक रूट इन्फेक्शन है। तो अगर मैंने जो इसका समाधान करवाया था बहुत सारे फार्मर से, जो मैं आपसे शेयर करूंगा, पहले भी मैं शेयर कर चुका हूं, आप सॉइल में कॉपर बेस्ड कोई भी फंगेसाइड प्लस एंटीबायोटिक बायोमाइसिन उसकी ड्रेंचिंग करें। एक ड्रेंचिंग आप अभी दे सकते हैं, सेकंड ड्रेंचिंग आप सर्दी में दे सकते हैं। अगर आपके रूट इन्फेक्शन होगा तो काफी हद तक कंट्रोल होगा। जब भी आप ये एप्लीकेशन करें उसके 15 दिन के बाद इसको एक बार फिर से रिपीट करें। लव किशोर कोल्टू जी का क्वेश्चन है, भाई जी रस्टिंग तो नहीं, अगर ये है तो ट्रीटमेंट फ्रूट्स भेजे हैं मुझे, अगर मैं इसमें आपको दिखेगी नहीं, फ्रूट्स भेजे हैं रस्टिंग वाले, बिल्कुल ये रस्टिंग है और अब ये कंट्रोल नहीं होती है। इसमें आपकी फाइटोटॉक्सिटी मुझे ज्यादा लग रही है, कहीं ना कहीं आपने गलत स्प्रे करी जिसकी वजह से फ्रूट इंजरी हुई है। ज्यादातर जो रस्टिंग आती है वो मैन मेड होती है। अगर आप गलत मिक्सचर करेंगे, जो ट्राई डेंटिस्ट, कभी भी आप कोई मिक्सचर करना चाहते हैं ट्राई, तो आप उसको पहले एटलीस्ट ट्रायल कर दे अपने एक आधे टहने में, अगर वो पास होता है तो उसी के बाद आप स्प्रे करें। ये मैन मेड मुझे लग रहा है, अब इसको आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कैल्शियम और बोरोन की बीच बीच में स्प्रे जो भी आपके शेड्यूल में हर स्प्रे में डालते रहे तो थोड़ी बहुत कंट्रोल हो सकती है, अब तो बहुत इंजरी हो चुकी है।